आज हम करेंगे कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। पेज नंबर 95 पिटमैन शॉर्टहैंड में एक टेबल दी हुई है, इसमें देखिए अगर हम क्यू को हम बड़ी हुक लगा देते हैं क्यू और यू की आवाज़ देगा, गे के साथ हम बड़ी हुक लगा देते हैं तो जी और यू की आवाज़ देगा, जैसे हमने लिखना हो गवावा। यहाँ देखिए के और गे इनके साथ शुरू में हम इनिशियली बड़ी हुक लगा देंगे तो क्यू यू और जी की आवाज़ देगा, ये गुवावा क्वीन। क्व इधर हमने एन क्यू को लगा दी, थर्ड प्लेस का वॉवल लगा दिया क्वीन। ये आपको ऐसे कैसे लर्न करने हैं कि हमने क के और गे के साथ हमने शुरू में बड़ी हुक लगा देंगे तो ये हमारी ये साउंड देगा। एल एल के साथ हम अगर इनिशियल छोटी सी हुक लगाते हैं तो ये W की आवाज़ देगा, किसकी देगा, W की साथ में आवाज़ देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना वेल, L के साथ हमने छोटी U की इनिशियल लगा दी, ये हमारी W की साउंड देगा। अगर हम बड़ी हुक लगा देंगे तो ये आवाज़ देगा W और H की, जैसे हमने लिखना वेल वेल, W और H दोनों की साउंड देगा L में अगर हम बड़ी हुक लगा देते हैं। L लिखते थे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड एल को आप डार्क कर देते हैं तो ये एल के साथ आर की भी साउंड देगा वेल्योर। एल को अगर हम डार्क कर देंगे डाउनवर्ड एल को तो ये एल और आर दोनों की साउंड देगा। अगर हम डाउनवर्ड आर को हम डार्क कर देते हैं तो ये हमारी डबल आर की आवाज़ देगा। हायरर लिखना हो तो एच हमारा टिक वाला लगाया, आर को हमने डार्क कर दिया डिप्थोंग लगा दिया हायरर, आर को डार्क कर दिया तो ये डबल आर की आवाज़ देगा। एम हम लाइट लिखते थे लेकिन अगर हम एम को डार्क कर देंगे तो ये हमारी एम पी और एम बी ये दोनों साउंड देगा। एम बोज लिखना हो तो हम इसको डार्क कर देंगे, ये हमने वोवल लगा दिया, इसमें एम और बी की आवाज़ दोनों की साउंड आएगी। डब्ल्यू हम ऐसे लिखते थे, अगर हम डब्ल्यू का ये शुरू में हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये हमारी डब्ल्यू और एच दोनों की साउंड देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना हो वेयर, अगर एल आर और डबल आर हमने डार्क करे हैं, एल को डार्क किया एल के साथ आर की साउंड आ गई, आर को हमने डार्क किया तो डबल आर की साउंड आ गई, लेकिन अगर लास्ट में इनके बाद हमारे वोवल आ जाते हैं तो आप इनको अपवर्ड लिखेंगे जैसे लिखते थे। जैसे फुलर हमने लिखना है, एल को हमने कर दिया डार्क करके हमने डाउनवर्ड कर दिया, इसके अंदर आर की भी साउंड आ गई, लेकिन अगर बाद में वोवल आ जाए तो आप इसको डार्क करके नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा लिखेंगे जैसे कि आप लिखते थे। हमने क्या किया, अगर के और गे के साथ हम बड़ी हुक लगा देंगे क्यू यू और जी यू की साउंड देगा, एल के अंदर एल अपवर्ड के अंदर अगर हम छोटी हुक लगा देते हैं तो ये हमारी डब्ल्यू की आवाज़ देगी डब्ल्यू और एल की, अगर इसको हम बड़ी हुक कर देंगे तो ये हमारी साउंड देगी डब्ल्यू और एच की, जैसे हमने लिखना वेल वेल, हमने बड़ी हुक लगा दी। L डाउनवर्ड को अगर हम डार्क कर देंगे तो ये L के साथ R की भी साउंड देगा, R को अगर हम डार्क कर देंगे तो ये डबल R की साउंड देगा, लेकिन R और L के बाद अगर हमारा वोवल आ जाता है तो आप इसको अपवर्ड लिखेंगे। M को डार्क कर देंगे तो ये साउंड देगा हमारे एम पी की और एम बी की दोनों की साउंड देगा। W को अगर हम बड़ा कर देंगे यहाँ से ऐसे हुक बड़ी कर देंगे तो ये W और H दोनों की साउंड देगा। थैंक यू।